जी हाँ, लिट्टी चोखा। नालंदा विश्वविद्यालय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म, गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट का नाम सुनते दिमाग में क्या आता है? जी हाँ, आपने सही सोचा, बिहार। बिहार एक ऐसा स्टेट है जो आज भी भारतीय कल्चर को लेकर चल रहा है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। बिहार अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। नालंदा विश्वविद्यालय देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है। दुनिया के सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में हुई थी। मधुबनी बिहार का सबसे खूबसूरत शहर है जो अपनी समृद्ध कला और संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट भी बिहार से ही थे। देश में लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाने की खेती होती है, जिसमें से 80-90% उत्पादन अकेले बिहार में होता है। इसके उत्पादन का 70% हिस्सा सिर्फ मिथिलांचल का है। लगभग 1,20,000 टन बीज मखाने के उत्पादन होता है, जिसमें से 40,000 टन मखाने का लावा प्राप्त होता है। छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार 4 दिन तक चलता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। बिहार के नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। इस ग्लास ब्रिज को बनाने के पीछे मकसद है बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देना। बिहार की राजधानी पटना में पटन देवी मंदिर का इतिहास काफी रोचक माना जाता है।